जानकारी के मुताबिक युवक शनिवार मंगलवार की शाम अपनी पत्नी को दवाई दिलाकर स्कूटी से गांव जा रहा था। वापस निमखेड़ा फ्लाईओवर के पास पहले से ही घात लगाए बैठे दो अज्ञात बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। युवक के चेहरे पर गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। एसपी सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, युवक शनिवार की दो शादियां हो चुकी है, जिनमें उसकी पहले पत्नी के पति से चल रहा था विवाद। संभवतः उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल घटना की गहनता से छानबीन की जा रही है। हत्या के सही कारणों का पता छानबीन के बाद ही पता चल सकेगा। आज शाम को एक शनिवार नाम के युवक जब अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से अपनी पत्नी को दवा दिला करके आ रहे थे, तो फ्लाईओवर के पास दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। उसमें प्रथम दृष्टया ये तथ्य प्रकाश में आया है कि उन्होंने दो शादी कर रखी थी और पहली पत्नी के हस्बैंड से और उनकी दूसरी पत्नी जो थी उनसे भी किसी बात को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था। प्रथम दृष्टया ये तथ्य प्रकाश में आए हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है, विस्तृत विवेचना की जा रही है। जल्दी ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। बुलंदशहर से NBCN न्यूज़ के लिए जावेद खान की रिपोर्ट।